और 11 की बात में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, बातचीत से अयोध्या मुद्दे का हल निकालने में लगे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने आपसे कुछ देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। श्री श्री रविशंकर कल अयोध्या जाएंगे जहां इस मुद्दे से जुड़े दूसरे पक्षों से बात करेंगे। श्री श्री रविशंकर ने कोर्ट से बाहर बातचीत से मुद्दे को सुलझाने का बीड़ा उठाया है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई है। दोनों के बीच राम मंदिर मुद्दे पर बात हुई है जैसी कि उम्मीद जताई जा रही है। कल अयोध्या भी जाएंगे श्री श्री रविशंकर। इस मामले में मध्यस्थता की पहल की है श्री श्री रविशंकर ने। हालांकि कई पक्षकार ऐसे हैं जो उनकी मुखालफत यानी उनका विरोध भी कर रहे हैं। और बातचीत से मुद्दे का हल निकालने की कोशिश है। और मिशन राम मंदिर श्री श्री का क्या कहता है ये देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कल अयोध्या में राम मंदिर मामले से जुड़े सभी पक्षकारों से मिलेंगे श्री श्री रविशंकर। अयोध्या पहुंचने पर मणिराम छावनी भी जाएंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती से भी मिलेंगे श्री श्री। मस्जिद के पैरोकार दिवंगत हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी से भी उनकी मुलाकात होगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड निमोही अखाड़ा और रामलला विराजमान चूंकि मुख्य पक्षकार ये तीन हैं इनके लोगों से मुलाकात होगी। शिया वक्फ बोर्ड के लोगों से भी मुलाकात की संभावना है। श्री श्री रविशंकर ने मुलाकात के लिए सभी पक्षों को पहले ही संदेश भेज दिया है। कोर्ट के बाहर अयोध्या विवाद सुलझाने की कोशिश के तौर पर इस पहल को बहुत अहम माना जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरविंद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि श्री श्री रविशंकर और योगी आदित्यनाथ के बीच कितनी देर की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या क्या बात हुई है? राशि देखिए, 45 मिनट की एक अहम मुलाकात में मुख्यमंत्री की तरफ से जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी सहायता हो सकती है राम मंदिर के लिए वो पूरी सहायता श्री श्री रविशंकर की जाएगी। और एक प्लान जो श्री श्री रविशंकर लेके गए थे कि आखिर कैसे पक्षकारों से बातचीत करेंगे, किन किन लोगों से उनकी बातचीत हो चुकी है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले में रोड़ा अटका रहे हैं, उनसे बातचीत का क्या प्लान है, ये पूरा प्लान 45 मिनट में मुख्यमंत्री के सामने श्री श्री रविशंकर ने रखा। लखनऊ में ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कल्वे सादिक हैं उनसे भी अहम मुलाकात हो सकती है। इसका खुलासा तो नहीं किया गया है लेकिन अहम मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, यूसुफ अब्बास ने आज बयान देकर ये स्पष्ट किया कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ये अहम डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। लेकिन राशिद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक पक्षकारों के साथ बातचीत नहीं होगी, जैसे आपने बताया कि कल अयोध्या जाने में नृत्य गोपाल दास के साथ, आसिम अंसारी के बेटे के साथ, उसके अलावा रामविलास वेदांती के साथ मुलाकात अहम है, वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ भी मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि आगे यही रास्ता बनाने का काम करेगा और शायद श्री श्री रविशंकर इसी काम में जुटे हुए हैं। बहुत सारी दूसरी अड़चने भी हैं क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तरफ से फिलहाल कोई नहीं जा रहा है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल्वे सादिक से लखनऊ में उनकी मुलाकात हो सकती है, ये मुलाकात बेहद अहम है और इसके बहुत सारे संदेश भी हैं। राशिद जी, अरविंद चतुर्वेदी आप रहिए हमारे साथ में। मुख्य तीन पक्षकार हैं जिनसे मुलाकात तो होनी ही है लेकिन इसके अलावा भी कई पक्षों से मुलाकात होनी है। दिगंबर अखाड़ा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हिंदू महासभा, विनय कटियार, इन सभी से एक एक करके श्री श्री मुलाकात करेंगे। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ ने श्री श्री के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि बातचीत से हल निकल जाए तो अच्छा है। राम के बगैर तो कुछ काम ही नहीं है भाई। यहां हम मिलते हैं, राम राम कहते हैं, विदा होते हैं, राम राम करके विदा होते हैं और अंतिम यात्रा भी निकलती है, यानी राम नाम सत्य है कहकर के निकलती है। तो राम के बगैर कोई काम भारत में हो सकता है क्या? यह असंभव है। राम हमारे आराध्य हैं। चीत पहले भी प्रारंभ हुई थी, एक पक्ष हमेशा वार्ता की टेबल से भाग खड़ा होता था। समस्या ये नहीं कि बातचीत हो, समस्या ये है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से बातचीत को लिए तैयार हों, उसके अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। मैं कहा ना कि कोई भी किसी भी स्तर पर अगर बातचीत होती है अच्छा है, स्वागत योग्य। सर, आई एम वेरी पॉजिटिव सो फार, एनीथिंग आई हैव टेकन इट हैज
lead to a good success and I hope this will also be in the same line. I don't take an agenda and go. As I said, this is my first meeting with him. I'll meet with him and touch the call. एक बार फिर से हम अरविंद चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं. अरविंद, सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला विराजमान के जो पक्षकार हैं त्रिलोकीनाथ पांडे, त्रिलोकीनाथ पांडे कहते हैं कि बातचीत का स्वागत करेंगे लेकिन हम मुख्यतः वो बात मानेंगे जो कि कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा. निर्मोही अखाड़ा कहता है कि ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, अच्छा है. सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है कि बातचीत करें लेकिन हमारी जगह पर आकर के बातचीत करें. नजरिए के मामले में और सोच के मामले में मुख्य पक्षकारों को एक जमीन पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाब होते क्या नजर श्री रविशंकर आएंगे या आ रहे हैं, संभावना क्या है? राशि, देखिए, अगर पूरे मामले को देखें सुबह से या जिस तरीके से श्री रविशंकर लगातार उनकी तरफ से जो प्रयास हो रहा है उससे कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. ये संदेश जा रहा है कि अयोध्या को लेकर लगातार बातचीत हो रही है. भले ही सरकार कह रही है कि नहीं, श्री रविशंकर हमारी तरफ से भेजे गए संदेशवाहक नहीं है, दूत नहीं है. और आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने भी इस बात का विरोध किया और उसको लेके खंडन किया. दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कहते हैं कि कोर्ट की जो बात होगी उसको मानी जाएगी. लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि श्री रविशंकर माहौल बनाने में कामयाब रहे हैं. सफलता कितनी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो सारे लोग जब तक बैठेंगे नहीं तब तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल सकता. ठीक है अरविंद, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अरविंद चतुर्वेदी हमें जानकारी देते हुए कि बातचीत के जरिए किस तरह से अयोध्या मामले में पहल की है श्री रविशंकर ने. आगे बढ़ेंगे.